think once this quarantine gets over, now all the house helps that are going to be welcomed back to home. They are going to be welcomed how kabhi khushi kabhi gham mein Shah Rukh Khan ji ki welcome hoti thi. Okay. Hello ji. मुझे अभी अभी पूछा गया कि आप किसके साथ क्वारंटीन होना चाहेंगी आफ्टर योर हस्बैंड एंड आई सेड विकी कौशल फॉर श्योर ही इज सच अ सुशील घर का बंदा तो सब लोग शॉक में आ गए बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ ऋतिक फैन विकी बिफोर एनीथिंग एल्स आप कितने क्यूट हो आप इतने क्यूट हो पहले तो वो पंखा साफ करते हो सबसे ज़्यादा इवन बिफोर योर ऑमलेट फ्लिपिंग सो लेट मी आस्क यू इन योर लाइफ बिकॉज द लास्ट 3-4 ईयर्स हैव बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऐसा फेज आपने पहले कभी देखा था जहां आप घर पे थे ज्यादा करने को नहीं था बिल्कुल भी नहीं आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ वो तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था हमने शायद किताबों में ही पढ़ा था ये पेंडेमिक और एपिडेमिक और पिक्चरों में ही देखा था एज अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बट ये जो हो रहा है मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम यू नो एक एक टाइम ऐसा देखेंगे जहां दुनिया एक्चुअली पॉज हो जाएगी जहां ह्यूमन बीइंग्स पॉज हो जाएगी यू आर अ टॉरियन आई एम सीइंग यू बॉन्डिंग विद योर मदर विद योर ब्रदर विद योर फैमिली मुझे ऐसे कभी-कभी ऐसे लगता है कि यू आर नॉट टेकिंग इट too harsh on yourself because bahut log na isko se are kuch kaam nahi ho raha aise bhi hota hai na hyper ho jate hain you have to stick to the reality na ab jo situation hai I'm saying ki main jaakar bahar kaam karu usse zyada grave situation aur bahar hai people are losing lives logon ki zindagiyan khatre mein hai and log jo bahar jaake kaam kar rahe hain doctors nurses police everybody उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है वो ऊपर काम कर रहे हैं एंड जस्ट वो एक ही सहायता मांग रहे हैं कि हम घर पर रहे एंड यू नो सो दैट उनको और मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारियां कम आए सो आई थिंक रादर देन जस्ट ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू नो यू कांट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट बट स्टिल आई फील आई एम स्टिल वन ऑफ द फ्यू प्रिविलेज जो घर पे छत है घर वाले हैं यू नो हम सब तो बहुत सुकून में जी रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको वो सारी सहूलतें नहीं है सो इट्स नॉट द राइट टाइम I get depressed कि यार ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा वो बहुत ही first world problems हो जाएंगी but okay, top three चीजें जो आप miss करते हो of being in a regular life what are the things you miss the most like जैसे मुझे radio station के हमारे office boys की बड़ी याद आती है because वो कितने cute हैं उनका हमारी bonding मतलब बहुत अच्छा लगता है apart from talking to my listeners what is the one thing that Vicky misses क्योंकि वो बहुत busy face से उभर के अभी आया है आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो जो चीजों के लिए हम लोग ये करते थे ना चेहरे बनाते थे कि अरे यार ये तो बहुत खराब है अरे यार ये तो बहुत खराब है उसकी हमें इतनी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी बिकॉज आई थिंक इसके बाद वी ऑल विल बी डाइंग टू गेट इनटू ट्रैफिक हम ट्रैफिक को जितनी गालियां दे देते हैं आई थिंक इसके बाद हम सब ऐसे ट्रैफिक होगा और हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं कि वाह क्या ट्रैफिक है अच्छा बट विकी योर मॉम हैज शी सीन द साइड ऑफ यू जो आप दिखा रहे हो सबको और हमको इतने इंस्पायर कर रहे हो और ऑफ कोर्स लोगों फॉर द मेन इन द हाउस यू आर गिविंग लाइक वेरी टफ गोल्स कैसे ये पंखा साफ करना तो मेरी ड्यूटी हमेशा से थी क्योंकि आप इतने लंबे हो हाँ जब से मैं इतना लंबा हुआ हूँ तब से ये पंखे साफ करने की ड्यूटी मेरी ही लगी चाहे कुछ भी हो जाए क्वारंटाइन हो या नहीं हो तो पंखे तो मैं साफ करता था ओकेजनली जब जब मैं घर होता था बट उसके बावजूद ये खाने में देखो किचन में ना मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता मैं चाय बना सकता हूँ टॉरियन यू आर अ फूडी ऑल द वे मतलब आपको खाने के बिना आपकी आंख नहीं खुलेगी मैं देख सकता हूँ खा सकता हूँ सूंघ सकता हूँ बना नहीं सकता अच्छा चाय बना सकते थे अब तक क्या क्या डालते थे बना लेता हूँ मैगी बना लेता हूँ एक पीनट बटर सैंडविच टाइप बना लूंगा और अभी मैंने ऑमलेट फ्लिप करना सीखा है तो मेरे घर वाले तो डरते हैं जब मैं किचन में घुसता हूँ क्योंकि उनको लगता है मैं काम ज्यादा बढ़ा दूंगा अच्छा बाय द वे फ्लिप कैसे करते हैं ट्रिक क्या है अभी आपने सीख लिया है ट्रिक ये है कि पहले तो सही तवा पकड़ो फिर जब पकाओ तो पहले ढक लो ऊपर से ढक लो 2-3 मिनट ताकि ऊपर से भी पक जाए उसके बाद जो आप स्पैचुला लेते हो उसको नीचे से जरा अच्छे से डालिए और पैन को भी उठाना है पहले मैं सिर्फ फ्लिप करता था पैन को तवे उस पे ही रखकर गैस पे ही अब पैन भी उठा के दोनों के साथ साथ में करना है और ये सारे मेरे को मुझे जो आइडियाज आए ये सारे मुझे डीएम्स पे आए हैं तो पूरे शहर ने मेरी मदद की है पूरे देश ने मेरी मदद की है एक ऑमलेट को फ्लिप करवाने में तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूं इट लुक्स लाइक एन एक्शन शॉट टू मी लाइक यू हैव टू गो विद एवरीथिंग हैज टू मूव एंड आई थिंक एक स्लो मो फ्लिप वाला वीडियो हो जाए बहुत मजा आएगा डन वो स्पेशली मैं आपको भेजूंगा And I think, if I'm not mistaken, Bhoot ka last scene, you guys are eating Maggie only. If I'm Maggie. Not...
और उसके बाद टू बी कंटिन्यूड. इज इट गोइंग टू कम सून होपफुली आफ्टर द लॉकडाउन्स आउट लाइक और इज इट आई डोंट नो दैट्स आई सीरियसली डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट बिकॉज़ वो तो डिसीजन दैट इज समथिंग दैट करण कैन ओनली टेक सो उसका अभी तक मुझे पता नहीं. But Vicky, before I say anything else, I'm really grateful to you for keeping the one thing up. He kept saying ki hum sabki andar ki baiyan bahar nikal rahi hai gharon mein. Hum log, this is going to be the title of my interview. I think once this quarantine gets over, na, all the house helps that are going to be welcomed back to home. They are going to be welcomed how kabhi khushi kabhi gham mein Shah Rukh Khan ji ki welcome hoti thi. With the K3G soundtrack. With aarti ka thali in hand. और 48 फ्रेम्स में स्लो मोशन में उनकी एंट्री होगी. आपकी आपकी हाउस हेल्प का नाम क्या है? वी मस्ट कांग्रेचुलेट हर बिकॉज़ शी इज गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ अ वेलकम. मेरी हाउस हेल्प का नाम है कविता. हाय कविता, आपको बहुत मिस किया जा रहा है. मेरी हाउस हेल्प के बारे में मैं बताना चाहूँगी एट दिस पॉइंट. वो नैना जो है अपनी गांव चली गई है और वहाँ से मुझे वीडियोस भेज रही है खेतों के. एंड शी इज लाइक काजोल, शी इज रनिंग इन बिटवीन द चीकू का फील्ड्स एंड गॉड नोज व्हाट. मैंने सोचा लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग झाड़ू कटका पकड़ के बैठे और वो लोग हमें वीडियोस और फोटोज भेज रहे हैं. With us and live with us. विकी, आई गेस माई ओनली क्वेश्चन इज आप जनता को बोले बिकॉज बहुत सारे लोग चाहे वो दिया जलाने के वक्त हो या जो भी बाहर आके ओवर एक्साइट हो जाते हैं. यू वांट टू गिव अस अ मैसेज स्पेशली फॉर दिस फेज टू ऑल द पीपल लिसनिंग इन. मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम करते हैं चाहे वो दिया जलाना हो या ताली बजाना हो, ये सेलिब्रेशन नहीं है. Yeah. ये इन टफ टाइम्स में जो बाहर निकल कर जो हमारे लिए बाहर निकल के अपनी लाइफ को जोखिम में डाल रहे हैं उनके लिए एक अप्रिसिएशन का टोकन है. घर बैठे बैठे दी आइडिया इज कि हम आइसोलेटेड रहें, घर पर रहें, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ग्रेट नहीं है. मेडिकल फैसिलिटीज अभी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, पर जितना हम डॉक्टरों पर नर्सेस पे मेड में अपना सारे जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो बाहर है उन पे जितना लोड बढ़ाएंगे उतना ये ग्राफ बढ़ जाएगा. और ये हमें बाकी देशों से सीख लेनी चाहिए, चाहे इटली हो, यूएस हो, जहाँ पे ग्राफ बिल्कुल तेजी से बढ़ा है. तो हमें बिल्कुल प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ नॉर्मल सी में वापस लौटे और जल्दी लौटे, तो ओनली सोल्यूशन राइट नाउ, बिकॉज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो ओनली सोल्यूशन इज कि आप आइसोलेटेड रहें, घर पर रहें, और तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि ये छोटा टाइम रहेगा और ये लंबा नहीं खींचेगा. बस आई वांट टू थैंक यू सो मच विकी, आई वाज सो टच्ड. आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक आप खोली और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा 1 करोड़ का, एंड आई वॉज लाइक आई हैड नो वर्ड्स बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी यू गिव, इट्स अबाउट द फीलिंग दैट यू होल्ड. और वो फीलिंग आपके इस पूरे शब्द में आ गई है. एंड आई कैन टेल कि आप कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बट बिकॉज वी कैन फिजिकली बी देयर, देन दिस इज द वे वी कैन डू समथिंग, है ना. यानी आप जो भी कर सकें, सबको मैं अभी से यही अर्ज करूंगा. बहुत सारे रिलीफ फंड्स हैं, बहुत सारे यू नो संस्थाएं हैं जो ऑन ग्राउंड ग्रास रूट पे भी काम कर रहे हैं. सिंस वी कांट गो आउट देयर एंड सोशली बी ऑफ एनी हेल्प, जो भी आप कर सकें, चाहे 1 रुपए क्यों ना हो, जो भी आप कर सकें, अपने पुराने कपड़े हो या कुछ खाने का सामान हो या कहीं से कुछ भी आप कर सकें सहायता, आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू बी यू नो आउट देयर फॉर ईच वन ऑफ अस. इट इज द टाइम फॉर अस कि हम यूनाइटेड रहें. एंड वी हैव टू रियलाइज कि आप अगर घर पे बैठे हैं, चाहे आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी ना कर रहे हैं, तो भी आप घर पर बैठकर भी बहुत हेल्प कर रहे हो. बिकॉज वी हैव टू रियलाइज कि ये हम डरपोक नहीं बन रहे, ये हम पैसिव नहीं बन रहे, ये हमारा एक्चुअली ऑफेंसिव यू नो मोड होगा जस्ट बाय स्टेइंग एट होम. बिकॉज आप घर पे रहोगे तो आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे, आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे तो मैं और मेरे घर वाले सुरक्षित रहेंगे. तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए भी कर रहे हो, आप अर्चना के लिए भी कर रहे हो, आप सबके लिए कर रहे हो. थैंक यू विकी, वी लव यू सो मच एट दिस पॉइंट. एक आपका बर्थडे तो 16 तारीख को है, काफी टाइम है. किसी और का बर्थडे आ रहा है जिसको आप विश करना चाहते हो रेडियो पे? मैं एक्चुअली ओके, मेरे 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 एक फ्रेंड है मोजेस सिंह, जिन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म दी थी जुबान, उनका बर्थडे है 9 अप्रैल को. अरे वाह, तो मैं उनको विश करना चाहूंगा कि मोजेस, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यस, एंड यू नो मे गॉड ब्लेस हिम एंड ही इज अ ब्यूटीफुल सोल. सो या, many birthday wishes to him. Lots of love Vicky, we miss you and hope to see you after this lockdown. Thank you Archana, keep doing this good work. I know you're interviewing many many people and you're spreading this awareness, and that is such a important thing to do in this time. So please keep up the good work, more power to you. Lots of love to you. और वो omelette खिलाना पक्का, please हमको करना पड़ेगा.
आई एम प्रेइंग दैट कि अगली बार जब हम बात कर रहे हो हम एक ही छत के नीचे बैठे और हम कॉमेंट कर रहे हो. अच्छा आप लाइव कब आ रहे हो इंस्टा पे बिफोर आई से बाय? लाइव मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं कभी लाइव एक्चुअली गया नहीं हूँ. हाँ. तो मैंने अभी थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आस्क मी एनीथिंग वाला राउंड किया था एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. Yeah, you have to come live, Vicky. You, it will. I think there will be a crash, but I think it will be the best crash ever. Please do it. पक्का मैं live आऊँगा. Okay, Rav. Bye and lots of love to your mommy. Bye, bye. Take care. Thank you. Bye.